नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी, रोजगार देगी बिहार सरकार। इस पोर्टल के जरिए होगा इंटर में एडमिशन। बिहार में मौसम का यूटर्न, बूंदाबांदी से गिरा तापमान। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश कर पाए ज्यादा ब्याज। इस बार आईपीएल का मजा भोजपुरी में ले रहे दर्शक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DSSSB ने 258 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मिलराइट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर मेंटेनेंस मैकेनिक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर और वर्कशॉप अटेंडेंट्स के 258 रिक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पदों के लिए विभिन्न विभिन्न योग्यता तय की गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट DSSSBonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी, रोजगार देगी बिहार सरकार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सभी से एक बार फिर से वादा किया कि बिहार सरकार की ओर से राज्य के 20 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी, रोजगार दी जाएगी, जिसमें से 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने अधिकारियों को कहा है कि वह पूरी ईमानदारी से काम करें और इस बात पर भी ध्यान रखें कि आगे कोई गड़बड़ ना हो। आजकल सोशल मीडिया के दौर से पेपर रिलीज करा दिया जाता है और फिर चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि पेपर रिलीज हो गया है, पर आखिर कोई पेपर कैसे रिलीज कर सकता है, क्योंकि अंदर तो फोन ले जाना अलाउड नहीं होता। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक के बारे में। बिंदेश्वर पाठक का जन्म आज ही के दिन 1943 में हुआ था। यह एक भारतीय समाज शास्त्री है। वह भारत स्थित सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वह भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है। उनका काम सामाजिक सुधार में अग्रणी माना जाता है, खासकर स्वच्छता और स्वच्छता के क्षेत्र में। इस संगठन के साथ उनके काम के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2014 में उन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1991 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 8वें वार्षिक इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में इंडियन अफेयर्स सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2017 से नामित किया गया था। जून 2018 में उन्हें टोक्यो, जापान में निक्केई इंक द्वारा संस्कृति और समुदाय के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पोर्टल के जरिए होगा इंटर में एडमिशन। बीते शुक्रवार को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अब रिजल्ट जारी होने के बाद सफल हुए बच्चे इंटर में एडमिशन लेंगे। आपको बता दें कि इंटर में एडमिशन ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स www.ofssbihar.in के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इसके लिए एडमिशन की तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा घोषित नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के तहत 3629 से अधिक प्लस टू स्कूलों में और 17 लाख से अधिक सीटों पर कॉलेजों में एडमिशन लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए आवेदन की तारीख बोर्ड के द्वारा अप्रैल महीने के बाद जारी की जाएगी। केंद्र ने बिहार सरकार को इस काम के लिए दी 2 अरब से अधिक राशि। बेतिया सांसद व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा बीते दिन अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्रालय से बिहार को उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ने के लिए गंडक पर बनाए जाने वाले 4-लेन पुल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 218 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। बता दें कि यह राशि जारी कर बिहार सरकार से यह अपील भी की गई है कि इस राशि को जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण के
काम में लगाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर जायसवाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण 3,000 करोड़ की लागत से पूरा किया जाना है। इस पुल के निर्माण हो जाने से कुशीनगर एयरपोर्ट की दूरी जहां 50 किलोमीटर हो जाएगी, वहीं गोरखपुर एम्स पहुंचना भी आसान हो जाएगा। मैट्रिक परीक्षा से वंचित छात्रों को मिला पास होने का एक और मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में वैसे बच्चे जो यह परीक्षा देने से किसी वजह से वंचित रह गए हैं, तो उन्हें बोर्ड की ओर से एक और मौका दिया जा रहा है। मालूम हो कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की ओर से अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक विशेष परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। वहीं कंपार्टमेंटल की परीक्षा सह विशेष परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो कि 7 अप्रैल तक जारी रहेगी। बता दें कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर शुल्क जमा करना होगा। इसके साथ ही वैसे बच्चे जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, वह भी स्क्रूटनी के लिए 3 अप्रैल से www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रॉफी मिलने की खुशी में भोजपुरी गाने पर झूमे CRPF 159 बटालियन। बिहार के गया जिले में नक्सल क्षेत्र इमामगंज में तैनात CRPF 159 बटालियन को छत्तीसगढ़ में आयोजित समारोह में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ परिचालनिक बटालियन की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने इसका जश्न भोजपुरी गानों पर जमकर डांस करके मनाया। हालांकि इस दौरान जवानों और अफसरों के बीच काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि उनका भोजपुरी गानों पर यह जश्न काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CRPF 159 बटालियन को यह ट्रॉफी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई है। बिहार ने पहली बार नौका परिचालन के लिए बनाया अपना कानून। बिहार ने पहली बार बिहार की सभी नदियों और तमाम जल संरचनाओं में नावों का परिचालन करने के संबंधित अपना कानून बनाया है। बता दें कि वर्तमान में अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए बंगाल नौका घाट अधिनियम 1885 के अंतर्गत ही सभी नावों का परिचालन होता है, लेकिन अब बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 के लागू होने के बाद पुराना कानून निरस्त हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए कानून को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मालूम हो कि इस कानून के तहत नाव परिचालन का अधिकार, प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण, बंदोबस्ती और टोल टैक्स की वसूली का अधिकार ग्राम पंचायतों या नगर निकायों को सौंप दिया गया है। बिहार में मौसम का यू टर्न, बूंदाबांदी से गिरा तापमान। पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ कई जिलों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के 20 जिलों में आंधी पानी को लेकर चेतावनी दी है। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर समेत कुछ जिलों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मौसम में हुए बदलाव के कारण लोगों को अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद तापमान में वृद्धि होने से गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। इस दौरान तेज हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की पूर्वानुमान है। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश कर पाए ज्यादा ब्याज। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आपको पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर में 70 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि यह इजाफा केवल तिमाही के लिए किया गया है, जो कि अप्रैल महीने से शुरू होकर जून 2023 तक चलेगी। बता दें कि इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिन एक सर्कुलर जारी करके दी गई है। बता दें कि जारी की गई सर्कुलर में एक साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर अब 6.8% हो गई है, जबकि 2 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज बढ़कर 6.9%, 3 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़कर 7.0%, 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़कर 7.5% कर दी गई है। वहीं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने वाले ग्राहकों को 6.2% की दर से ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को 8.2%, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज दर को 7.7% कर दिया गया है। बीपीएससी में धांधली को लेकर सीएम नीतीश ने लिया एक्शन।
बीपीएससी परीक्षा में हो रहे धांधली को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं और वो पास होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उनका लिखित परीक्षा में काफी अच्छा मार्क्स आता है और इंटरव्यू में काफी कम। इसलिए अगर आपको ऐसे में कभी शक हो तो आप इस मामले की जांच जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, वहीं अगर कोई पद खाली हो तो उसे भी जल्द से जल्द भरने का काम किया जाए ताकि काम में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो उसे सरकार की ओर से जरूर पूरी की जाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सभी बातें बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही थी। इस बार आईपीएल का मजा भोजपुरी में ले रहे दर्शक। इस बार लोगों के लिए आईपीएल बहुत खास हो गया है, खास तौर पर वैसे लोग जिन्हें भोजपुरी बोलने आती हो या समझ में आती हो। दरअसल इस बार आईपीएल की कमेंट्री भोजपुरी सुपरस्टार सह भाजपा सह सांसद रवि किशन के द्वारा भोजपुरी भाषा में की जा रही है। बता दें कि आईपीएल कुल 12 भाषाओं में कमेंट्री की जा रही है। मालूम हो कि भोजपुरी भाषा में यह कमेंट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस बात की जानकारी खुद रवि किशन के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि क्रिकेट जिसे पूरे देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है, उसका आनंद इस बार और भी दोगुना हो गया है क्योंकि इस बार पूरे मैच का विवरण भोजपुरी में हो रहा है। बता दें कि रवि किशन के इस ट्वीट को लाखों लोगों के द्वारा लाइक किया गया है। वहीं भोजपुरी के चाहने वाले लोग इस खबर से काफी उत्साहित हैं। फसल सहायता के लिए इतने किसानों ने किया आवेदन। फसल सहायता को लेकर राज्य के 11 लाख और 47 हजार से भी अधिक किसानों द्वारा आवेदन किया गया है। बता दें कि बीते वर्ष इसी चीज के लिए लगभग 12 लाख से भी अधिक किसानों द्वारा आवेदन किया गया था। शुक्रवार को ही सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 10 लाख और 78 हजार किसानों ने इस बार भी गेहूं के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे आगे जमुई के किसान है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण के 1,98,000 किसानों द्वारा गेहूं का उत्पादन कम होने पर फसल सहायता के लिए आवेदन किया गया है। बिहार में हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मिले राज्यपाल से। रामनवमी के जुलूस के दौरान सासाराम और नालंदा से हुई हिंसा को लेकर बीते दिन बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेडकर से हुई। बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ ही घटना की जानकारी देते हुए कहा गया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि राज्य में स्थिति पिछले 2-3 दिनों से देखने को जो मिल रही है उससे साफ हो गया है कि राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल हो गई है। राज्य में सभी जगह दंगे हो रहे हैं और सरकार कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन महामहिम के द्वारा कहा गया है कि वह इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से देखेंगे। घरेलू महिलाएं ऑनलाइन कोर्स कर बन सकेंगी आत्मनिर्भर। अगर आप भी उन महिलाओं में हैं जो गृहिणी है लेकिन पढ़ना चाहती है और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल निफ्ट की ओर से वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत निफ्ट पटना के द्वारा लोगों को नवचार करने, तकनीकी शिक्षा देने एवं अन्य विषयों पर घर बैठे शिक्षा देने के लिए आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से कई कोर्स की शुरुआत की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निफ्ट प्रशासन की माने तो कोर्स की शुरुआत अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होगी। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी निफ्ट के आधिकारिक वेबसाइट www.nift.ac.in पर जाकर फॉर्म भर के अपनी चुनिंदा कोर्स के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोर्स उन महिलाओं के लिए शुरुआत की जा रही है जो तकनीकी, फोटोग्राफी, फैशन, सिलाई कढ़ाई कर अपना व्यापार करना चाहती हैं। अब गृह विभाग में तय समय पर होगा फाइलों का निपटारा। गृह विभाग जो कि सरकार के बेहद महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, उसके समुचित संचालन और निर्धारित समयों में फाइलों को निपटाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। दरअसल अक्सर यह देखा जाता है कि फाइलों को अक्सर बेवजह अधिक दिनों तक रोकने की प्रवृत्ति बनती जा रही है, लेकिन अब इस पर नकेल कसने के लिए प्रशाखा पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि अब इन मामलों पर रोक लगाने के लिए हर महीने प्रशाखा पदाधिकारियों अपनी अपनी प्रशाखाओं का निरीक्षण करेंगी और इसकी रिपोर्ट भी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को सौंपेंगी।
आज नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं आज अमित शाह बिहार के नवादा के हिसुआ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में नवादा में उनके स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं उनके जनसभा को संबोधन को लेकर मंच और पंडाल को भी तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुरक्षा जांच एजेंसियों के द्वारा हेलीपैड से लेकर मंच और पूरे रास्ते का जायजा लिया गया है, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह अपने बिहार दौरे में आज सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सासाराम में हिंसक परिस्थिति को देखते हुए सासाराम में रैली को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब वह सीधे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिंसक घटना पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। इन दिनों बिहार में हो रहे हिंसक घटना को लेकर बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बिहार में हो रही हिंसक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी को अब शासन प्रशासन को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे भी वह हमेशा बोलते थे कि हमने बहुत किया है, हमने बहुत किया। उन्होंने कहा कि भले कोई कितना भी काम कर ले, उसका काम बंद थोड़ी ही हो जाता है। अभी जब तक संवैधानिक पद पर है, जनता को परेशानियों से बचाइए, बाद में जनता समय पर चुन लेगी। अमित शाह की सासाराम रैली रद्द होने पर बोली जेडीयू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सासाराम की रैली को वहां के हिंसक परिस्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। वहीं उनके इस रैली को रद्द होने को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि अमित शाह की रैली सासाराम में हुई घटना की वजह से रद्द नहीं की गई है, बल्कि भीड़ नहीं होने की वजह से रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी कि उनकी जनसभा में भीड़ नहीं जुटेगी, जिस वजह से उन्होंने सासाराम की रैली को रद्द कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह बिहार दौरे पर एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों कैंप कर सकते हैं, उनका यहां स्वागत है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में उनका खाता नहीं खुलने वाला है। पंजाब किंग्स ने कोलकाता को 7 रन से हराया। आईपीएल के 16वें सीजन का दूसरा मैच बीते दिन पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला गया। बता दें कि इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए जवाब में कोलकाता की टीम के द्वारा 16 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाया गया, और उसके साथ ही कोलकाता की टीम पंजाब से 7 रन से हार गई। दरअसल कोलकाता को जीत के लिए 24 गेंद में 46 रन की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने से पहले ही बारिश शुरू हो गई, और तब डकवर्थ लुईस यानी DLS नियम के तहत पंजाब किंग्स 7 रनों से जीत गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल शासक अकबर ने 1679 में जजिया कर समाप्त किया। ब्रिटिश पंजाब की 1849 में स्थापना हुई। कांग्रेस ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में मिशन सोयूज T-11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। सुमित्रा सिन्हा ने 1997 में अपने ऊपर से 3200 किलोग्राम भार के ट्रक को पार करने की अनुमति देकर रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत ने 1983 में पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 में आज ही के दिन दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चिनानी नासरी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 को हुआ। आज के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। व्हाट्सएप पर ऐसे एडिट कर सकेंगे फोटो और वीडियो। व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया टेक्स्ट एडिटर अनुभव ला रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बीटा टेस्टर अब टेक्स्ट एडिटर में फोटो, वीडियो और GIF को एडिट कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो के अनुसार यूजर्स कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देने वाले फॉन्ट विकल्पों में से किसी एक को टैप करके विभिन्न फॉन्ट के बीच आसानी से स्विच करने में भी सक्षम होंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट को बाएं, केंद्र या दाएं में भी बदला जा सकता है, जिससे यूजर्स को छवियों, वीडियो और GIF में को करने पर अधिक कंट्रोल मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिस्टोगो, करियर, प्राइम, डेमियन, XO2 और मॉर्निंग ब्रिज सहित बीटा टेस्टर के लिए कुछ नए फॉन्ट भी जारी किए गए हैं। नया एडिटर बीटा टेस्टिंग का एक हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
वायरल में आज हम बात करेंगे मुफ्त मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार सभी उपयोगकर्ताओं को मुफ्त मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत 28 दिनों के लिए 239 रुपए का रिचार्ज करने की पेशकश कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ओटीटी पर देखे जाने वाले टॉप 10 वेब सीरीज। आज के दौर में ओटीटी सबका मनपसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं। इसी कड़ी में ऑर्मैक्स मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ओटीटी पर देखे जाने वाले इस हफ्ते के टॉप 10 शो की लिस्ट जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वह शो है जिन्हें दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। मालूम हो कि जारी किए गए इस लिस्ट के पहले नंबर पर शाहिद कपूर की फर्जी है तो वहीं दूसरे स्थान पर बाहुबली स्टार राणा दग्गुबाती के शो राणा नायडू है। तीसरे स्थान पर रॉकेट बॉय सीजन 2 है। चौथे स्थान पर द नाइट मैनेजर, पांचवें स्थान पर हंटर, छठे स्थान पर पॉपकॉर्न, सातवें स्थान पर ताज डिवाइड बाय ब्लड, आठवें स्थान पर यू सीजन 4, नौवें स्थान पर चोर निकल के भागा और दसवें यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर गुलमोहर के नाम शामिल है जिसे दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। मनीष कश्यप की तरफ से एससी में लगेगी गुहार। इन दिनों मनीष कश्यप की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि अभी वह तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर है लेकिन अब वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाले हैं। इसके लिए उनके वकील की ओर से तैयारियां की जा रही है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी मनीष कश्यप के वकील की ओर से इस मुद्दे को लेकर डाली जाएगी कि उनके खिलाफ पटना में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कुल 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं तो वहीं तमिलनाडु पुलिस ने भी उनके खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज किए हैं। ऐसे में दो राज्यों में दर्ज केस को लेकर मनीष कश्यप को अलग अलग चक्कर लगाना पड़ेगा। इसी परेशानी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी और तमिलनाडु में दर्ज मामले को पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की जाएगी और साथ ही गुहार लगाई जाएगी कि सारे मामलों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में पूरी हो। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, मनमोहन कुमार चौधरी, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रेणु देवी, अभिषेक राज, कविता कुमारी, देवानंद देव, अनवर करीम खान, जहांगीर आलम, मुनीता कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, रंजीत कुमार झा, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका आईपीएल में मन पसंदीदा टीम कौन सा है और क्यों है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।